नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक की खबरें। इस वक्त की खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां आपको बता दें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उसी के सामने आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको आगे बताते हैं क्या है पूरा मामला। ये मामला उत्तर प्रदेश के बहेड़ी थाना क्षेत्र का था, जहां पर एक प्रेमी जो दो बच्चों का पिता था, अपनी प्रेमिका को पाने के लिए जब वह उसके घर पहुंचा तो वहीं पर प्रेमिका ने जब इनकार कर दिया तो हताश होकर उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आत्मदाह कर लिया था। तो वहीं पर परिवारिक जनों ने हत्या का आरोप लगाया था। एसएसपी रोहित सिंह सजवाल ने दिया है बड़ा बयान। आइए डालते हैं मुनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट पर एक नजर, बरेली की एक सनसनीखेज खबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ रहते हैं आप? मैं फरीदपुर रहता हूँ, नारकोटी थाना फरीदपुर। हाँ, क्या मामला है, कैसे अपने भाई की हत्या हुई आपके? ऐसा, मेरा भाई 27 तारीख को मेरे भाई को 5 लोगों ने घेरा, उनसे मारा पीटा। उनने पैसे अपने मांगे थे उनसे कि हमारे पैसे वापस कर दो। उनने एक पप्पू नाम के हैं जो फरीदपुर में रहते हैं, उनने अपनी लड़की की शादी में हमारे भाई से 96,000 रुपये लिए थे, तो उनने पैसे वापस मांगे। तो उनने पैसे देने से आनाकानी करे, तो हमारे भाई ने उनसे कहा पैसे दे दो। तो उनने अपने लड़कों से और चाचा उनका भाई था और भाई का लड़का, 5 लोगों ने हमारे भाई घेरा, मारा पीटा। तब तक हमारे मोहल्ले वाले आ गए तो भागने लगे, मगर पकड़ गए। उसके बाद उनने कबूलनामा किया, हाँ हम पैसे वापस आपके 96,000 कर देंगे। तब ये मामला शांत हो गया। उसके बाद उनने 5 तारीख को हमारे भाई को बुलाया, बहेड़ी उनके दामाद है हाशिम, उनने बुलाया कि हाँ पैसे अपने ले जाओ के। हमारा पैसे लेने वहाँ गया, उसके बाद में उसे घर में बंद किया, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का, मारा पीटा और आग लगा दी उसकी। क्या नाम था भाई का? आकाश यादव। क्या करता था? वीडियोग्राफी। सुनने में आ रहा कोई किसी से प्रेम संबंध वगैरह था, क्या मामला है ये जानना चाहिए? संबंध लगा रहे हैं। अच्छा। पहले से कहाँ थे जब हमारे भाई से पैसे लिए गए, तो क्यों नहीं बताया कि प्रेम प्रसंग चल रहा है, आज तो इस वजह से पैसे ले रहे हैं हम। भाई की क्या शादी हो चुकी थी? भाई से की शादी 5 साल हो गए, 2 बच्चे हैं उसके। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, कैसे क्या मतलब? सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जिसने पैसे लिए हैं, क्या नाम है उन लोगों का? उनका नाम है पप्पू, जिनने पैसे लिए थे 96,000। लड़के का नाम राजा फैज और उनका भाई है यूसुफ, यूसुफ का लड़का का नाम मुझे पता नहीं, और उनका दामाद है हाशिम जो बहेड़ी में रहता है जोखनपुर गांव में। कब आपके भाई की डेथ हुई थी? डेथ आज रात में 2:30 बजे हुई है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, कुछ कार्रवाई की है? पुलिस अभी आने वाली है, पंचनामा करेगी अभी, और बहेड़ी से पुलिस आ रही है। एक दिन पहले एक युवक के द्वारा एक युवती के घर के सामने जाकर आग लगने की घटना सामने आई थी। पुलिस के द्वारा इसमें युवक के भाई की तहरीर के आधार पर 307 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो युवक था वो अस्पताल में भर्ती था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो छानबीन की गई है उसमें ये मामला प्रकाश में आया है कि जो युवक है वो युवती दोनों एक दूसरे से परिचित थे और दोनों फोन से एक दूसरे से वार्ता करते थे। युवक का जो फोन पुलिस ने बरामद किया उसमें युवक के द्वारा लिखा गया है कि अगर युवती उससे शादी नहीं करेगी तो वो सुसाइड कर लेगा। इस पूरे प्रकरण में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके आधार पर ये पता लगा है और जो चश्मदीद गवाह है कि युवक ने युवती के घर के सामने जाके स्वयं ही आग लगाई है, और इस पूरे प्रकरण में और भी आगे छानबीन की जा रही है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।